थोड़ा सा इधर डाल देती हूँ, आपको तो दिखाऊंगा वहाँ से लिया है। ये काफ़ी मीठा होता है और गर्मियों में वैसे भी थोड़ा बच्चा थोड़े थोड़े कीले लग भी रहे हैं। ये तावर, यहाँ पे बनाया मैंने मटन कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिआं दे? ठीक ठाक हो जी? मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी मैं कर रही थी कुछ घर का काम, और ब्रेड मुझे दिन में कोई दो तीन बार बनाना पड़ता है क्योंकि अब बाहर इतनी गर्मी हो गई है मैक्सिमम, फिर क्योंकि इसी ही कमरे में एसी है तो इधर ही फिर बैठना होता है, तो मैं दो तीन बार ही ब्रेड बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम में थोड़ी एक बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, इससे यह है कि वो साफ़ सुथरी सी होती है। सारा दिन का बंदा थका हुआ, रात को अच्छी नींद ना आए ना तो सारा दिन काम नहीं होता। वैसे भी आजकल लाइट इतनी जा रही है कि बंदा ठीक से आराम भी नहीं कर पाता, जैसे ही आराम का टाइम आता है तो लाइट चली जाती है। UPS भी कितने चलता है, एक आध घंटा ही चल जाता है, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद सिर्फ गर्मी से लड़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता। खैर, अभी मेरा बेड मैं ठीक करके और कपड़े मैंने जो कल वॉश किए थे उनको मैं सेट कर लूँगी, कमरे में ही ले आती हूँ क्योंकि मैक्सिमम काम इधर ही होता है। मैं आज बाज़ार भी गई थी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और क्योंकि गर्मी अभी शदीद हो गई है, एक तो मेरे बालों में लगाने वाला तेल ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही, और मैं ग्रोसरी करती हूँ ज़्यादातर, कर लेती हूँ चेज़ब से कर लेती हूँ, या फिर चेज़ब से ही कर लेती हूँ ज़्यादातर, के मार्ट से कर लेती हूँ, तो वहाँ के ना मुझे तेल नहीं अच्छे, खुले तेल अम्मी को तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे, तो अम्मी ने कहा था कि उधर ही से जाना है तो तेल उधर ही से लेने हैं। तो वहाँ पे गई तो मुझे ये जग मिला, बहुत अच्छा था। मेरा जग जो है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो नीचे से ना बहुत ही ब्लैक सा काला काला सा दे रहा है। अच्छा, वो मैं जग उठा के नहीं गई, मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर जब मैंने जग देखे ना तब मुझे याद आया कि मेरा तो जूसर बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है जग। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसे पूछती हूँ, नया ले लेती हूँ, तो ये बड़े काम आते हैं क्योंकि वो किसी भी टाइम धोखा दे सकते हैं। तो फिर मैंने ये दो ले लिए, एक मैंने लहसुन अदरक के लिए ले लिए है और एक मैंने, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं, एक मैंने जूसर के लिए ले लिया है, तो ये दो ले लिए अच्छी क्वालिटी के हैं, चलो कुछ अच्छे चल जाएंगे। तो उसके बाद फिर वो तो शीशे का है, खैर उसे भी बाद में सेट कराऊँगी। और जो स्टोर सैन वाले तेल मैं नहीं लेती, जो खुले वाला मिलता है ना तेल सैने के, इसे वो लेती हूँ। तो यहाँ से फिर मिक्स तेल लिया था, इसमें सरसों का तेल अच्छा होता है और यहाँ से अच्छा मिलता है, तो फिर नहीं मिल वाला। तो बस ये भी जग से ये लाई हूँ, बड़ी वाली मिर्चें लाई हूँ, तो मैं कहते चलो इसका ना मसाला, ये बड़ी अच्छी कश्मीरी मिर्च की तरह होती है, रेड वाली मिर्चें होती हैं, तो इनको धो के इसका भी मसाला बना के रखूँ। मिर्चें लाई हूँ तो ये और ये जो है बस, तो थोड़े से बादाम लाई थी और थोड़े से अखरोट लाई थी, आजकल गर्मी है थोड़ा सा खोखरा, क्योंकि वहाँ पे ना खुला ड्राई फ्रूट मिलता है यहाँ, और उनकी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बनिस्बत हमें लेते हैं ना उसकी निस्बत ना ये खुले वाले होते हैं, तो इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे भरे होते हैं बाजार अखरोट बादाम, बस यही थी कुछ चीज़ें ली थी, बादाम अखरोट वहाँ पे खुला मिलता है ना, बहुत अच्छा मिलता है, फाइन क्वालिटी में मिलता है बादाम, ये देसी बादाम तो इतना मीठा होता है, गर्मियों में वैसे भी बादाम मैं उधर ही से लेती हूँ। और इतनी देर में मेरा मियाँ मीठू ने भी शोर मचा दिया, बादाम वो बड़े शौक से खाता है, तो मैं उसे भी देती होती हूँ, इसको भी देती हूँ, ऊपर वाले को भी देती हूँ। और आज मेरे घर पे आने हैं कुछ मेहमान, उन्होंने सुबह मुझे 8 बजे बताया था, तो मैं अभी बाज़ार फिर दोबारा चली गई थी और यहाँ पे आई थी शिंगरीला, कुछ चीज़ें लेनी थी मेहमानों के लिए, तो यहाँ पे फातिमा को केक बहुत पसंद है,
वैसे भी उसकी नेक्स्ट मंथ है बर्थडे, तो फिर वो जिद कर रही थी कि मुझे ये वाला केक ले के दो, लेकिन ये तो लोगों के ऑर्डर बने पड़े थे। लेकिन मैंने उससे कहा कि आप पसंद करो, आपको इसमें से कौन सा दूँ, बनवा के दूँगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि उसकी बर्थडे है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस बार बारबी वाला नहीं लेना, मुझे इस बार मिकी माउस वाला लेना है। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो इसे फिर नेक्स्ट मंथ ऑर्डर पे पहले ही दे देंगे ना, तो इसकी पसंद का बनवा लेंगे। कुछ फ्रूट लेने थे उनके लिए और इस तरह करके इतनी इमरजेंसी में उन्होंने हमें बताया था। सुबह तकरीबन 8 बजे उन्होंने मुझे बताया था, और 8 बजे बताया था, 11:30 बजे गैस आती है, और तकरीबन 2-3 बजे खाना मुझे बिल्कुल रेडी करना था, और एक बाहर भी जाना था, उनके लिए गिफ्ट भी लेने थे, क्योंकि मेरी नंद थी और वो इतनी दूर से आ रही थी। तो इस वजह से फिर इतनी जल्दी में, चिकन होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मटन को गलाने में मुझे थोड़ी सी मसला हो रहा था, और एन मौके पे मुझे प्रेशर कुकर की लिड भी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत कम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हूँ, तो ये देखें बर्तन का मेरा कुछ ऐसा हाल हो गया था। और मैंने बनाया था मटन कोरमा, साथ में मैंने बनाए थे कीमा आलू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी, तुम्हारी ठीक ठाक हो जी? मैं बस ठीक हूँ, लेकिन बिज़ी बहुत हूँ। अच्छा, मैंने बनानी थी झटपट शॉर्ट नोटिस वाली मैंने दावत बनाई है, मतलब सुबह मुझे पता चला 8 बजे तकरीबन पता चला, और 8 बजे ही मुझे जाना भी था कहीं, वहाँ से भी हो मतलब उनके लिए गिफ्ट भी लेने थे, कपड़े भी लेने थे, क्योंकि ईद आने वाली, मेरी नंद आई हुई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा आई हुई हैं तो बस यही दे देती, वरना मैं पोस्ट कर देती। अच्छा, फिर सारा मेरा काजल बैग है, इतनी गर्मी, मैंने सुबह से बस मुँह धोया और अभी तक। तो अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने बनाया क्या क्या, बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ये फ्रंट है, इससे अच्छी अच्छी शायद मेरे खाने की लुक ना आए तो मेरा तो नाम ख़राब हो गया ना। तो अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने वैसे फ्रूट सैलड बनाया है, उसको मैंने रख दिया फ्रिज में ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और यहाँ पर मैंने चावलों को दम भी दिया है, और यहाँ अच्छा ये मैंने बनाया है, गरम है, हाँ अभी है गरम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया, तो वो भी मैंने इतनी इमरजेंसी में साथ मेरा काउंटर इतना गंदा, अभी भी इतना कोई गंदा ना, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समेट लिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा फैलाव बना हुआ है। शामी कबाब मेरे ऑलरेडी फ्रीज़र में थे, और मैंने प्याज जो है ना वो बना ली है, और सिरके वाली प्याज बनाई है, इसको थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं और थोड़ा सा इस पर डाल देते हैं, और साथ में जी बनाया है मैंने मटन, ये देखिए मटन कीमा और आलू, क्योंकि बच्चे हैं ना साथ में तो शौक से खाते हैं, तो इसको भी ज़रा धनिया इधर ही डाल दूँ या डिश में डाल के डालूँ? अच्छा, थोड़ा सा इधर डाल देती हूँ, आपको तो दिखाऊँ ना कैसी मेरी बनी है, लुक कैसी आई है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये मटन कोरमा है, इसको इतना टाइम लगे गलाने में इतना टाइम लगे, मैं प्रेशर कुकर यूज़ करती नहीं हूँ, और बस मुझे शुरू से आदत नहीं है, मुझे लगता है अम्मी ने मुझे बस नहीं करने देती, कहती मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो जो खुद से बनता है ना उसका टेस्ट अच्छा आता है। खैर कोई बात नहीं है, टाइम पे शुक्र है तैयार हो गया। ये देखें, ये मटन कोरमा बड़ा ही मज़े का बना है, मुझे थोड़ा सा ऑयल लग रहा है ज़्यादा, तो अच्छा निकाल लूँगी। अच्छा, मैं फिर एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ ना, जब एंड में सालन बचता है वो सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी बन जाती है, वो ऑयल होता ही नहीं है, वो कोई भी नहीं खाता, वो ऐसे रखा रह जाता है, तो इसको भी कवर कर देते हैं। और बाकी जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी, अंडर टेबल लगा देती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है, तो अंदर ही लगा देती हूँ टेबल। अच्छा, वो लाए थे कुछ फ्रूट, ये डाल देती हूँ बास्केट में, शॉपर में ख़राब हो जाएंगे। खरे बड़े अच्छे आए हुए हैं, टोकरी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मिल रही, शॉपर से तो मुझे बुरे लगते हैं, फिलहाल इधर ही आड़ुओं को रख देती हूँ। ये मेरी नंद लाई है फ्रूट, इनको इधर निकाल देती हूँ, शॉपर में पानी छोड़ देते हैं, गर्मी इतनी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखिए अभी कर भी दिए, थोड़े थोड़े गीले लग भी रहे हैं।
हमारे शाहपुर कुंज के पहली दफा। ये क्या है? क्या है? टमाटर है। हाँ, इतना छोटा टमाटर। बेबी से भी टू बेबी जो होता है ना, ये प्री मैच्योर है बेबी। एक नहीं, ये शॉप पर रख। और यहाँ पे फिर चावल भी मेरे दम आ गए थे, थोड़ी देर के लिए वो बाहर गए थे तो आए हैं, तो बस मैंने फिर दम खोल दिया है, क्योंकि जब वो वापस आए तो फिर उनके साथ एक मेहमान और था, तो मैंने फिर उसको अलग देना था क्योंकि उसने अलग बैठ के खाना खाना था। तो अब इस मौके पे ना हर घर में इतनी हड़बड़ी सी हो जाती है, और मेरी भी आज बस बड़ी ही गत बनी है क्योंकि गर्मी शदीद थी और बहुत ही कम टाइम होता है, और अकेला बंदा काम करने वाला होता है तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चावल मैंने फिर इसलिए सादे बनाए हैं क्योंकि मैंने दो सालन बनाए, दोनों ही मटन में बनाए हैं। तो चावलों का ये है कि मैंने कहा चलो ऊपर चावलों पे डाल के खा लेंगे, क्योंकि एक तो बहुत कम टाइम के लिए गैस आती है, और फिर अलग से फिर मैं अगर इसकी यखनी तैयार करती तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती, इस वजह से मैंने फिर जब दो सालन बना लिए तो फिर मैंने चावल बनाए हैं। मैंने फ्रूट क्रीम बनाई थी मीठे में, लेकिन मेरे पास उस टाइम एक ही रखी थी, तो मैंने फिर उसी में मैंने कहा चलो ये कुछ डाल के ना तो इसको तो थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। तो अभी फिर मैंने दूसरी क्रीम मंगाई थी, तो मुझे लग रहा था बहुत ही कम है क्योंकि सारा फ्रूट ना सामने सामने नज़र आ रहा था और क्रीम बहुत कम थी, इस वजह से फिर मैंने दूसरी क्रीम का पैकेट भी डाल दिया था। तो इसको मैं अभी फ्रीज़ कर दूँगी, जितनी देर में वो खाना खाएँगे थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही जाएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।